ये कहानी बिंदिया और उसके पति कल्लू की है, जो बेहद बदमिजाज और एक नंबर का कंजूस था। बिंदिया उसे किसी भी चीज के लिए कहती तो वो उसे टाल देता। फिर एक दिन बिंदिया ने उसे घर में शौचालय बनाने के लिए कहा तो कल्लू ने साफ साफ इनकार कर दिया, और यही कारण था कि शौचालय को लेकर उनके बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। और एक रात कल्लू ने गुस्से में आकर बिंदिया को जान से ही मार डाला और उसकी लाश को घर में ही दफन कर दिया। फिर कुछ सालों के बाद कल्लू ने दूसरी शादी कर ली, मगर उसे अपनी दूसरी बीवी कुशलिया की जिद को पूरा करने के लिए शौचालय बनाना ही पड़ा। और जब कल्लू शौचालय में आता है तो एक अजीब सा हाथ टॉयलेट के अंदर से निकलता है और वो कल्लू के सर पर चिमट जाता है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।